जोजो किड्स। सेब का पेड़। जंगल में एक सेब का बड़ा सा वृक्ष था। उस वृक्ष के पास भालू, खरगोश और गिलहरी एक साथ रहते थे। उस पेड़ पर हर साल बहुत अच्छे रसदार सेब लगते थे। सब उस पेड़ के फलों का स्वाद मजे से लेते, हर साल उन फलों को खाते। एक दिन सब खेल रहे थे तो खरगोश ने अपने दोस्त से कहा, ये पेड़ कितना पुराना है, हम हर साल इस पेड़ के सेब खाते हैं, हमें इसका ध्यान रखना होगा। देखो अब जल्द ही सेब आने वाले हैं। हाँ दोस्त, सेब जल्दी ही पक जाएंगे, अब हमें इसका ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि इन्हीं दिनों में पास के गांव से लोग आकर हमारे सेब इकट्ठा कर ले जाते हैं और हमें भूखा रहना पड़ता है। हाँ दोस्त, ये पेड़ हमारी जिम्मेदारी है, इस बार हम किसी को भी इसके फल खाने नहीं देंगे, बस हम और हमारे जंगल के दोस्त ही इसका मजा लेंगे। आज से हमें और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ इसका ध्यान रखना होगा। कुछ ही दिनों में सेब लाल हो गए और पूरी तरह से पक गए। पास ही गांव का एक लड़का रामू जंगल से गुजरा। अरे वाह, इतना बड़ा रसीले सेबों का पेड़, इन सेबों को बाजार में बेचूंगा, मजा आएगा। आज रात को यहाँ आकर सारे सेब तोड़ लेता हूँ। भालू ने रामू की सारी बात सुन ली। आज याद रखना होगा, हमें नहीं सोना, पास के गांव से एक शिकारी यहाँ आकर हमारे सारे सेब ले जाना चाहता है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ख्याल रहे, उसके आते ही उसे भगाना है। ठीक है दोस्त, ऐसा ही होगा। गिलहरी और भालू वहीं पेड़ के पीछे छिपकर उसका इंतजार करने लगे और खरगोश से कहा, जाओ जाकर देखो वो आ तो नहीं रहा, जल्दी खबर देना। हाँ मैं अभी जाता हूँ। खरगोश बड़ी तेजी के साथ गांव की तरफ गया और उसने जैसे ही रामू को पेड़ की तरफ आते देखा, भालू और गिलहरी को ये बात बता दी, वो यहीं आ रहा है, जल्दी कुछ करो। जैसे ही रामू पेड़ पर चढ़ने लगा, भालू उसके साथ पेड़ पर चढ़ गया। इतना बड़ा विशाल भालू देखकर रामू जोर से चिल्लाया और पेड़ से गिरा। भालू भागो भागो भागो। बिना सेब उठाए बेचारा रामू दुम दमाकर वहाँ से भाग गया। हा, हमने शिकारी को भगा दिया और अपने पेड़ को बचा लिया। हाँ, इस बार हम किसी को अपने सेब खाने नहीं देंगे। भालू को सबक। एक समय की बात है, जंगल में एक विशाल भालू रहता था। भालू सभी जानवरों को डराता था, उनसे अपनी सेवा करवाता था। कभी वह लोमड़ी से अपनी टांगे दबवाता, कभी बिल्ली से अपने सर की मालिश करवाता। सभी जानवर भालू से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई, उसमें बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी सभी जानवर आए। दोस्तों हमें कुछ करना होगा, ये भालू हमसे अपनी सेवा करवाता रहता है, मैं तो सारा दिन भालू की सेवा करते करते थक जाती हूँ। सभा में बैठे सभी जानवर अपनी अपने हाल एक दूसरे को सुनाने लगे। तभी लोमड़ी ने कहा, दोस्तों ये सब खत्म करने के लिए हमें भालू को सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो हमें हमेशा इसकी सेवा करनी होगी। आप ही बताओ हमें क्या करना चाहिए लोमड़ी जी। हमें चूहे की मदद लेनी चाहिए, वही हमारी मदद कर सकता है। चूहे तो बहुत छोटे होते हैं, वह हमारी क्या मदद करेगा। वह छोटे हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली भी हैं और बहुत फुर्तीले भी, और शायद तुम जानती नहीं भालू चूहों से बहुत डरता है। फिर तो चूहों को बुलाया जाना चाहिए। सभी जानवर चूहे की मदद लेने को तैयार हो गए। अगले दिन दोपहर में जब भालू आराम से धूप में बैठा था, तभी चूहों ने वहां पर जाकर उस पर हमला कर दिया। चलो साथियों अभी इसे सबक सिखाते हैं। चूहे भालू के ऊपर चढ़ गए, कोई उसका कान खींचने लगा, कोई उसकी पूंछ खींचने लगा,
कोई उसके पेट पर जोर जोर से उछलने लगा। चूहे, अरे भागो, अरे हटो हटो, मुझे मुझे जाने दो। ये तुम कहाँ से आए, ये चूहे? अरे बिल्ली, अरे लोमड़ी, तुम कहाँ हो? अरे सबके सब कहाँ मर गए? अरे ये चूहे यहाँ किसने भेजे? ये कैसे यहाँ पर आए? भालू बहुत परेशान हो गया और छटपटाने लगा। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें सेवा कराने का बहुत शौक है ना, हम तुम्हारी सेवा अब रोज करेंगे, क्यों दोस्तों? हाँ हाँ, जरूर करेंगे, रोज करेंगे। बेचारा भालू बहुत परेशान हो गया। अरे मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी को परेशान नहीं करूँगा, मुझे कोई सेवा नहीं करानी। तुम जाओ यहाँ से जाओ। वादा करो कभी किसी जानवर को इस तरह नहीं सताओगे, किसी से अपनी सेवा नहीं कराओगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, हटो यहाँ से, हटो, कूदना बंद करो। हम तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन तुम आइंदा किसी को भी परेशान नहीं करोगे, कभी भी किसी पर रोब नहीं झाड़ोगे और ना ही अपने काम किसी और से कराओगे, स्वयं नहाओगे और अपने सारे काम खुद ही करोगे। मैं समझ गया। अरे छोड़ दो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो छोड़ो। और इस तरह भालुओं को चूहों ने छोड़ दिया, लेकिन वादा भी ले लिया कि भालू अब किसी जानवर को परेशान नहीं करेगा। बुद्धिमान चूहा और राक्षस। एक समय की बात है, एक चूहा जंगल में भोजन की तलाश में जा रहा था कि तभी उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। अरे वाह चूहे, मुझे बहुत भूख लगी है, आज तुम्हारा ही भोजन करूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, यहाँ पास में ही एक बहुत भयानक जानवर रहता है, वो मेरा दोस्त है, उसके पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं, लंबे लंबे दांत हैं। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें मार देगा। लोमड़ी डर गई और अपनी गुफा में वापस चली गई। चूहा मजे से धीरे धीरे चलने लगा, उसका यह उपाय बहुत काम का था। रास्ते में उसे उल्लू मिला। अच्छा हुआ तुम आ गए, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो जिस पेड़ पर तुम रहते हो वहीं मेरा दोस्त आकर अपने बड़े दांत और नाखूनों से तुम्हें मार डालेगा। उल्लू सुनते ही अपने पेड़ पर चला गया और डर गया। आगे चलकर चूहे को ठीक वैसा ही राक्षस मिला जिसके बारे में उसने उल्लू और लोमड़ी को बताया था, और वह बहुत बुरी तरह डर गया। अरे इतना भयानक राक्षस, भगवान मेरी मदद करो। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे खाने की सोचना भी मत, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे खाकर कोई फायदा नहीं, मुझसे सब कितना डरते हैं जानते हो? तुमसे कोई डरता है? दिखाओ मुझे, कौन डरता है तुमसे? आओ मेरे साथ। उस राक्षस को चूहा अपने साथ लेकर उल्लू के पेड़ के पास पहुंचा। चूहे और राक्षस को साथ देखकर उल्लू बहुत डर गया, और यह देखकर राक्षस बहुत हैरान हुआ। आगे चलकर लोमड़ी की गुफा आई और चूहे ने कहा, लोमड़ी बाहर निकलो, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। जैसे ही लोमड़ी बाहर आई, राक्षस को देखकर वह डर गई, और राक्षस को लगा कि यह चूहे की करामात है, चूहे का खौफ है। राक्षस बहुत बुरी तरह से डर गया और वहां से भाग गया। अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी, उल्लू और राक्षस सबसे बच गया छोटा सा चूहा। भालू की परेशानी। एक बहुत घने जंगल में एक बड़ा विशाल भालू रहता था। उसे अपनी सेहत को लेकर एक दिन बड़ी चिंता होने लगी। मैं कितना मोटा हूँ, मुझसे ना तो ढंग से चला जाता है ना दौड़ा जाता है, मैं क्या करूँ? एक दिन भालू ने खरगोश और बंदर को साथ में देखा तो वहाँ गया। बंदर, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। हाँ हाँ भालू जी, आ जाओ, हम खेलते हैं। सब खेलने लगे।
अचानक भालू ने पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता देखा। उसे लालच आ गया। वह पेड़ पर चढ़ा और अपने वजन की वजह से जोर से नीचे जाकर गिर पड़ा। भालू जी, कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? अरे, आप इतने भारी हैं, पेड़ पर क्यों चढ़ना चाहते थे? नहीं नहीं दोस्त, सब मेरे वजन की वजह से मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। अब खाना ही नहीं खाऊंगा, सच कह रहा हूँ, तभी तो मेरा वजन कम होगा। तभी खरगोश ने कहा, अरे नहीं नहीं भालू जी, अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपके अंदर ताकत नहीं होगी, आप इसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाएंगे, आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। भालू समझ चुका था कि उसे अपना वजन कम करना है। भालू ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। वह बहुत दुबला हो गया। उसके अंदर की ताकत खत्म होने लगी। एक दिन एक शेर वहाँ आया। सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन भालू से भागा ही नहीं गया। अरे खरगोश बंदर, मुझे बचाओ, मुझसे भागा नहीं जा रहा, मेरे अंदर भागने की बिल्कुल ताकत नहीं है। बंदर और खरगोश ने सभी जानवरों की मदद की और शेर को भगा दिया। दोस्तों, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे समझ आ गया है, खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा। आज अगर तुम सब नहीं होते तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होता, मुझे माफ कर दो। सभी जानवरों ने मिलकर भालू की बहुत देखभाल की और भालू जल्द ही पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया और सभी बहुत खुशी खुशी रहने लगे। प्लीज सब्सक्राइब।